नागपुर रेलवे स्टेशन से अपहृत नाबालिग लड़कों को ढूंढ निकालने के लिए लोहमार्ग पुलिस के दो कर्मचारियों को भेष बदलकर पुणे में नौकरी करनी पड़ी और उन्होंने नाम बदलकर रह रहे अपहरणकर्ता को दबोच लिया और उसके चंगुल से नाबालिग को मुक्त कराया। गिरफ्तार आरोपी दिनेश गुरे के खिलाफ इतवारी रेलवे स्टेशन के लोहामार्ग पुलिस थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। नाबालिग को शासकीय छात्रावास भेज दिया गया है। 11 सितंबर को सुबह करीब 8:45 के दरमियान ट्रेन नागपुर पहुंची। नागपुर में ट्रेन आगे बढ़ने से पहले रीना रेलवे स्टेशन पर उतर गई और रेलवे स्टेशन के बाहर आ गई। पश्चात ऑटो में सवार होकर वह बस स्टैंड पहुंची तथा बस में सवार होकर पुणे के लिए रवाना हो गई। नाबालिग रीना रायपुर की रहने वाली है। उधर निर्वाह के लिए माता पिता तीन बेटी व दो बेटों के साथ सिकंदराबाद गए थे। वहां उनके गांव का ही दिनेश पुणे में एक ठेकेदार की यहाँ नौकरी कर रहा था। रीना पर उसकी पहले से ही नजर थी। गांव में उसने कई मर्तबा रीना से बातचीत की थी। दिनेश को जब पता चला कि रीना परिवार के साथ सिकंदराबाद में रह रही है तो उसने रीना से संपर्क स्थापित किया। सिकंदराबाद में काम खत्म होने के बाद रीना का परिवार वापस रायपुर जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ। रीना की खोज में मुबारक शेख, सहकर्मी नीलेश कोरे, धम्मपाल गवई वो एक महिला सिपाही किरण भोयर के साथ पुणे के लिए रवाना हुई। पुणे में संबंधित ठेकेदार से भेंट करने पर पता चला कि वहां दिनेश नाम का कोई मजदूर नहीं है। दिनेश का पता लगाने के लिए मुबारक शेख प्लम्बर बनकर व नीलेश कोरे इलेक्ट्रीशियन बनकर मजदूरी करने लगे। दो माह इसी तरह काम करते रहने के बाद पता चला कि आरोपी दिनेश नाम बदलकर गोलू के रूप में यह काम कर रहा है। दिनेश उर्फ गोलू रीना के साथ एक कमरे में रह रहा है। यह पता चलते ही पुलिस दल ने आरोपी दिनेश को उसके कमरे में ही धर दबोचा। रीना व दिनेश को लेकर पुलिस का यह दल नागपुर पहुंचा, जिसके बाद दिनेश को गिरफ्तार कर लिया गया। रीना बरामद होने की उसके माता पिता को सूचना दे दी गई। पुलिस के अनुसार शादी का लालच देकर दिनेश ने पुणे आने के लिए कहा था। उधर ट्रेन भंडारा पहुंचने पर रीना ट्रेन में नहीं होने के बारे में माता पिता को पता चला। उन्होंने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रायपुर पहुंचने के बाद उन्होंने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। रायपुर पुलिस ने यह मामला लोहामार्ग पुलिस के सुपुर्द किया। इतवारी स्थित लोहामार्ग पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक मुबारक शेख ने मामले की छानबीन शुरू की, अपहरण का मामला दर्ज किया, फुटेज खंगालने व छानबीन करने पर रीना के पुणे में होने की उन्हें भनक लगी। रीना के मोबाइल का लोकेशन भी पुणे ही था। ये लड़की ने मेरे से नंबर मोबाइल मांगा था और मेरा मोबाइल मैंने दिया तो इसने कॉल किया, तो कॉल करने पर एक लड़का वहाँ पे आया और वो लड़की के साथ में वो लड़की शिरूर एसटी में बैठ के, शिरूर जाने वाले एसटी में बैठ के वो चली गई है। तो फिर हमने वो लड़के का नंबर वो ऑटो वाले के मोबाइल से जो डायल किया था वो नंबर का हमने सीडीआर निकाला, साइबर सेल से सीडीआर निकाल के हमने करंट लोकेशन लिया उसका। करंट लोकेशन हमको वो सिरूर रांजनगांव एमआरडीसी का वो करंट लोकेशन दिखा, तो हमने तुरंत हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की परमिशन लेके हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए हम पुना गए। पुना जाके वो शिरूर में गए। शिरूर में जाने के बाद पता चला कि ये दिनेश लड़के का नाम था। वो दिनेश नाम का लड़का जो है यहाँ पे कोई रहता ही नहीं और कोई काम करता ही नहीं। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे मजदूर वहाँ पे वो एरिया में रहते थे। तब मुझे ऐसा लगा कि ये डिटेक्शन होगा नहीं, क्योंकि वो इतने दिन यहाँ नहीं रहेगा या उसके साथ में वो लड़की को लेके कहीं गया होगा। तो हमने दो टीम तैयार की, मेरे साथ में धम्मपाल गवई और किरण भोयर लेडीज थे और विनय कोरे और मैं खुद, हम टीम तैयार किए और धम्मपाल गवई और किरण भोयर को हमने सेल्समैन एग्जीक्यूटिव या वॉशिंग पाउडर के अहदे पे हमने उस एरिया में सर्चिंग किया जहाँ पे हमको करंट लोकेशन मिला था। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।